हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एच डी एस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का मैथ पढ़ाऊंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मैथ का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, हम मैथ का क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को साइज के बारे में बताया था, ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बिग और स्मॉल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज का जो हमारा साइज है वह है टॉल एंड शॉर्ट। क्या है टॉल एंड शॉर्ट? टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा होता है। टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा साइज है वह है टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बिग एंड स्मॉल के बारे में बताया था, ऐसे ही हम टॉल और शॉर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे है यहाँ पे है टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। यहाँ पे है शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसकी जो टॉल वर्ड है उसके थर्ड फॉर्म होते हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। लेकिन यहाँ पे हम इस सारी चीज़ें हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि टॉल मीन्स लंबा होता है और शॉर्ट मीन्स छोटा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे है टॉल, टॉल मीन्स क्या होता है? लंबा। टॉलर मीन्स उससे लंबा और टॉलेस्ट मीन्स सबसे लंबा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक पेड़ देख रहे हैं, कोकोनट का पेड़ है। यहाँ पे एक ट्री है जो क्या है, लंबा है, और उससे लंबा ये दूसरा ट्री है, और सबसे लंबा ये तीसरा वाला ट्री है। तो जो सब तो क्या है, जो लंबा ट्री है उसको हम लोग टॉल बोलेंगे, लेकिन जो इससे भी बड़ा है उसको हम लोग टॉलर बोलेंगे, और ये जो जो ट्री इन दोनों से भी बड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉलेस्ट बोलेंगे। तो टॉल टॉलर टॉलेस्ट मतलब बड़ी जो लंबी वस्तु है उसके लिए टॉल, अगर उससे भी बड़ी वस्तु है तो टॉलर, और सबसे बड़ी वस्तु है तो क्या बोलेंगे, टॉलेस्ट बोलेंगे। आया समझ में आप लोगों को? तो टॉल लंबी वस्तु के लिए, टॉलर उससे लंबी वस्तु के लिए, और टॉलेस्ट सबसे लंबी वस्तु के लिए हम लोग बोलेंगे। तो टॉल आप लोगों को समझ में आया? इसी तरह से हमारा क्या है, शॉर्ट है। शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फ्लावर का ट्री है, ठीक है, जो क्या है, शॉर्ट में है, छोटा है। ठीक है, फिर उससे भी छोटा यह ट्री है तो क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टर हो गया। फिर उससे भी छोटा क्या है, शॉर्टेस्ट हो गया। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था ना, स्मॉल का स्मॉल, स्मॉलर स्मॉलेस्ट, इसी तरह यहाँ पे भी है शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। तो शॉर्ट मीन्स जो सबसे बड़ा रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट बोलेंगे, जो उससे छोटा रहेगा उसको हम लोग शॉर्टर बोलेंगे, और जो सबसे छोटा रहेगा उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, शॉर्टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग अपोजिट वर्ड भी जान गए होंगे, टॉल का जो अपोजिट वर्ड है वह क्या है, शॉर्ट है। तो इसी तरह से शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट। तो जो सब जो वस्तु छोटी है उसके लिए शॉर्ट बोलेंगे, और जो वस्तु उससे छोटी है उसके लिए शॉर्टर बोलेंगे, और जो वस्तु सबसे छोटी है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने टॉल और शॉर्ट के बारे में जाना। जिस तरह से हमारा टॉल है, टॉल लंबी वस्तुओं के लिए यूज होता है, और शॉर्ट छोटी वस्तुओं के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से टॉल और शॉर्ट के बारे में पढ़ा, और आप लोग दोबारा आप लोग एक बार और पढ़ चुके हैं, और आप लोग फिर से पढ़े हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।